इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सेवा के नाम पर लूट जो मच रही है, आम आदमी पार्टी सरकार से पूछना चाहती है कि स्वास्थ्य के नाम पे जो ठगी, जो गरीब लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो, आखिरकार वो कहां तक न्याय संगत है। आईजीएमसी में सेवा के नाम पर आपने किसी व्यक्ति को जगह दे दी और वहां पे आपने और मंत्री जी ने जब गए आपके सरकार के लोग, तो आपने कहा कि निःशुल्क सुविधाएं यहाँ रहने की, निःशुल्क यहाँ खाना और अन्य प्रकार की जो भी सुविधा किसी पेशेंट को चाहिए होगी वो यहाँ पे दी जाएगी। एक तरफ तो आपने कुछ समय पहले एक व्यक्ति जो वहाँ सेवा कर रहा था और निरंतर जो है लोगों को जोड़ के वहां पे सेवा भाग से मरीजों की सेवा कर रहा था, उनको सुविधाएं प्रदान कर रहा था, उस पर आपने रातों रात ताले जड़ दिए, उसके पानी के कनेक्शन काट दिए गए, उसके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, और दूसरी ओर आपने किसी अपने व्यक्ति विशेष को वहां पे जगह आवंटित की, जगह आवंटित ही नहीं की, आपने मूलभूत सुविधाएं उसे सारी दी, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सारी रहते जो आप सरकार के नाम पे दे सकते थे आपने अपने व्यक्ति को दी, ठीक है, लेकिन अगर वो सेवा का भाव होता तो हम उस पे नहीं बोलते। लेकिन आज बहुत विकट स्थिति है आईजीएमसी में, सेवा के नाम पर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सरकार ने स्थापित किया है, वो ठगी कर रहा है। वहां पे अभी हमें प्रेस के माध्यम से भी पता चला और हमने लोगों से भी बात की, तो प्रति व्यक्ति 200 रुपए बेड जो है वहां पे लिया जा रहा है, जबकि आपने कहा था, आपके मंत्री ने कहा था कि निःशुल्क दिया जाएगा, और 5600, 6000, 8000 ऐसे से बिल बनाए जा रहे हैं। अरे जो व्यक्ति दूर दराज के क्षेत्रों से आईजीएमसी आ रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है और एक सहायता के नाम पे उस जगह पे आ रहे हैं, और आप उनके साथ बाद में जाने से पहले उन्हें बिल थमा देते हो, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? ये सीधा सीधा मैं समझता हूं सरकार के आरक्षण में ये सारी चीजें हो रही है, और इसके लिए जो दोषी है वो सरकार है और जो प्रशासन आईजीएमसी का वो इसके लिए दोषी है, और कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है। चाहे आईजीएमसी के अंदर इतना बुरा आज की डेट में हाल है कि मैं समझता हूं कि पूरी स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चरमराउटी है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं वहां जितना गोरख धंधा हो रहा है, चाहे दवाइयों के मामले में हो रहा है, टैक्सियों के मामले हो रहा है, एम्बुलेंस के मामले हो रहा है, फैब्रिकेटेड बिल बनाए जा रहे हैं। बिल 500 रुपए का बनना है, 1000 रुपए का बन रहा है। अब वो जो लूट कसूट है 500 रुपए की, 1000 रुपए की, अन्य वो किसके खाते में जा रही है? आखिरकार सरकार का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मिलीभगत जो है आईजीएमसी प्रशासन के साथ, और जो सराय के जो वहां पे जिनको ये मौका दिया गया सेवा करने का, उसके नाम पे वो लूट कर रहे हैं, आम लोगों को ठग रहे हैं, और जो गरीब लोग वहां पे आ रहे, असहाय लोग जो आ रहे हैं, उनके जो दुख और दर्द पे और मलहम लगाने की बजाय उसको कुरेद रहे हैं, आखिरकार सरकार का इसका कौन सा नेक्सस है? आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है और हम सरकार को चेताना भी चाहते हैं, अगर जल्दी ये चीजें ठीक नहीं की गई और ठगी के नाम पे लूट घसूट बंद की गई, तो आम आदमी पार्टी आईजीएमसी प्रशासन का घेराव भी करेगी, और वो जो व्यक्ति है और जिस व्यक्ति को वहां पे ये सारी चीजें लूट का खुला लाइसेंस मिला है, उनका भी विरोध करेगी, उनको भी चेताएगी और वहां पे पूरा चक्का जाम करके पूरे प्रशासन का काम बंद कर देगी। ये इसलिए नहीं करेगी कि हम कोई राजनीतिक सिद्ध करना चाहते हैं। अरे स्वास्थ्य के नाम पे तो प्रदेश को छोड़ दीजिए। एक तरफ आप वादा करते हो कि स्वास्थ्य के नाम पे हमने ये कर दिया, अभी हॉस्पिटल हमने खोल दिए, इतनी चीजें हमने सुविधाएं प्रदान करा है, और दूसरी तरफ आप एक आईजीएमसी जो मेन हॉस्पिटल है जहां पे पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, इतना वहां पे डॉक्टरों पे बोझ है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आईजीएमसी के डॉक्टरों को, इतने बोझ के बाद भी वहां पे वो सेवाएं दे रहे हैं और निरंतर जितने लोग रोज की ओपीडीज हैं उसको निरंतर कर रहे हैं। और हां अगली बात, जनवरी माह के अंदर ओपीडी का जल्दी में जो है उद्घाटन कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अब नई ओपीडी को शुरू कर दिया गया। आप आईजीएमसी जाके हाल देखिए। मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करूंगा, मेरी उनसे प्रार्थना की आईजीएमसी चाहिए, नई ओपीडी का हाल देखिए, वहां कोई नहीं है, मक्की तक नहीं वहां पे बैठ रही है। आखिरकार आप ये छल कपट और केवल मात्र पट्टी का लगाने के उद्देश्य से क्यों जो है स्वास्थ्य की ऐसी तैसी फेरना चाहते हैं? क्यों आप ये जताना चाहते हो कि जो आपकी सरकार है वो सजग है गरीबों के प्रति, और जो व्यवस्थित स्थिति है उसकी स्थिति, जो वास्तविक स्थिति है उसके हाल जो है उसके बदहाल में आपको समझता हूं ये। लेकिन आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि आईजीएमसी के अंदर जो लूट घसूट चल रही है उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए और ठगी को बंद किया जाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ, और जो व्यक्ति सच में वहां सेवा कर रहा था उसे मौका दिया जाना चाहिए, उसे बिजली पानी उसके रीइंस्टेट किए जाने चाहिए, और दो तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो सेवा दिल से कर रहा हो उसके पीछे सरकार पड़ जाए उसको तंग करने के लिए, एक व्यक्ति जो सेवा के नाम पे लूट घसूट कर रहा हो उसको संरक्षण सरकार दे दे। मैं समझता हूं ये सीधी सीधी मिलीभगत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों की उस व्यक्ति के साथ है, और पैसे का बहुत बड़ा लेन देन है जिसका आम आदमी पार्टी जल्दी पर्दाफाश करेगी। और मैं सरकार से मांग करता हूं इस व्यवस्था को दुरुस्त करे, आईजीएमसी प्रशासन की आंखें खोले, केवल मात्र उनको जो 2-3 लाख रुपए तनख्वाह है वो इसलिए नहीं दी जा रही कि वो लूट जो है आम जनमानस के साथ करे, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, अन्यथा बहुत बड़ा एक आंदोलन आईजीएमसी में आम आदमी पार्टी छेड़ने वाली है। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062 भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए